दोस्तों, अगर आप भी शुगर से रिलेटेड स्टॉक खरीदना चाहते हैं या उससे रिलेशन रखते हैं, या आपने खरीदे हुए और शुगर से रिलेटेड स्टॉक पिछले कुछ काफ़ी समय से अच्छा खासा रिटर्न्स बना करके दे रहे हैं, काफ़ी सारे स्टॉक्स ने यहाँ पर 50% से ज़्यादा का रिटर्न सिर्फ और सिर्फ एक वीक में बना करके दे दिया है, तो दोस्तों उससे रिलेटेड मेरे पास काफ़ी सारी कंप्लेन आ रही थी और काफ़ी सारी कमेंट आ रही थी कि सर शुगर से रिलेटेड वीडियो बनाइए। तो शुगर कंपनी से रिलेटेड वीडियो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर आज आपके लिए। और अगर वीडियो के बारे में अगर आपका कोई भी कमेंट है तो मुझे जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अगर कोई भी पॉइंट छूटा तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका 5 ईयर्स का चार्ट देखेंगे दोस्तों। तो 216% रिटर्न, बहुत शानदार रिटर्न इसने बना करके दिए पिछले 5 सालों में। वहीं 3 साल की बात करें तो स्टॉक ने कमाल किया है, 740% के रिटर्न हैं। वहीं 1 साल की बात करें 260% के स्टॉक इसने रिटर्न बना करके दिए स्टॉक ने। अगर आपने इसमें 10,000 रुपये लगा दिए होते फ्रेंड्स 1 साल पहले, तो कम से कम आपके इसने 30,000 के आसपास इसने यहाँ से बना दिए होते स्टॉक ने, जो बड़े से बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक आपको बना करके देने वाला नहीं है। वहीं पर एक मंथ की बात करें तो जिस तरीके से मार्केट गिरा है, सारे के सारे स्टॉक गिरे, वहीं इसने 14% के रिटर्न्स बना करके दिए। एक वीक की बात करें तो 4% के रिटर्न्स है। और आज की बात कर लेते हैं, वहीं हम अगर इसके मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तो आप देख सकते हैं 27-28 रुपये के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी, जब से लगातार ट्रेड कर रही थी। और इसने 50 रुपये के आसपास दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई मार दिया है। उसके बाद से कंपनी लगातार ट्रेड करती आ रही 2012 से और 2016 के बीच में कंपनी की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी ख़राब रही। इसके बाद कंपनी ने बाउंस बैक किया, 14 रुपये का फिर हाई मारा है, फिर से इसकी जो परफॉर्मेंस है बिगड़ती गई लगातार। लेकिन यहाँ पर 2020 कोविड के बाद से अगर यहाँ से आप देखेंगे तो लगातार ये ऊपर जाती हुई दिख रही है। जो इसका हाई इसने मारा उसको बहुत जल्द ये यहाँ पर क्रॉस करते हुए आपको दिखाई देने वाली है दोस्तों। तो कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है, इसमें आपको इन्वेस्ट जरूर से करना चाहिए। और अगर इसके कुछ प्रोस और कॉन्स आप देखेंगे तो कंपनी में जो कर्ज लगातार कंपनी अपना कर्ज चुकाते जा रही है और स्टॉक इज ट्रेडिंग 1.14 टाइम इज बुक वैल्यू, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी हैज़ द डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ऑफ ग्रोथ, तो जो लास्ट क्वार्टर है उसके अंदर ग्रोथ भी अच्छा खासा कंपनी का देखने के लिए मिला है। वहीं पर इसके कुछ कॉन्स आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बात है इसने टैक्स अभी तक नहीं दिया है और प्रमोटर्स होल्डिंग्स आप देखेंगे तो काफ़ी लो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है और कंपनी डिविडेंड फिलहाल यहाँ पर नहीं दे रही है। तो इसके कुछ कॉन्स आपको ये देखने के लिए मिल जाते हैं। इसकी बैलेंस शीट पर हम नज़र डाल लेते हैं ज़रा, तो इससे पता चल जाएगा आपको कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शेयर कैपिटल्स आप देखेंगे लगातार बढ़े हैं, लास्ट क्वार्टर में थोड़े से कम हुए। रिजर्व्स कंपनी के देखेंगे तो लास्ट के 3 क्वार्टर में कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व्स हैं। कंपनी का कर्ज देखेंगे बहुत ज़्यादा कर्ज हुआ करता है, लेकिन कंपनी ने बहुत अपना कर्ज घटाया पिछले 3 क्वार्टर से, इसका जो कर्ज है बहुत कम हो गया है। और यहाँ पर एसेट्स में थोड़ी सी कमी आई, तो आप कह सकते हैं कंपनी ने अपने एसेट्स बेच करके इसका कर्ज जो है वो चुकाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। यहाँ पर वहीं पर इसकी परफॉर्मेंस पर नज़र डाली जाए तो इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, टुडेज़ हाई और टुडेज़ लो आप देख सकते हैं कितना बड़ा फ़र्क है। अभी इसके बीच में ट्रेड कर रहा है यहाँ पर, और इसके साथ ही मार्केट डेप्थ में आप देखेंगे तो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 73.2.1% या सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, यहाँ बाइंग क्वांटिटी देखेंगे 26% के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाती है। फंडामेंटल्स के आपको मैंने बता दी, इसका रेवेन्यू आप देखेंगे तो लगातार 300 और 200 करोड़ के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं कंपनी की प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, दिसंबर 2020 में 20 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़ करके मार्च 2021 में 73 करोड़ का हो गया। लेकिन इसके बाद जून 2021 में घटकर 54 करोड़ का रह गया, फिर सितंबर में घटा 11.90 करोड़ गया, दिसंबर में 2.652 करोड़ यहाँ पर रह गया है। तो प्रॉफिट है, माइनस में नहीं है। वहीं इसकी नेटवर्थ देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में मार्च 2021 में 363 करोड़ थी, जो कि बढ़कर के इसकी नेटवर्थ 429 करोड़ की हो गई है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और दोस्तों शुगर से रिलेटेड जिस तरीके के स्टॉक यहाँ पर रिटर्न्स देते आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर इससे एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अच्छे रिटर्न्स देने वाला है आगे भी। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं जरूर से इसमें नज़र बना करके रखिए। स्टॉक बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छे रिटर्न्स इसने दिए हैं बना करके, सबूत मैंने आपको दिखा दिया, और आगे भी ऐसे ही मल्टीबैगर रिटर्न्स ये देने वाला है। तो अगर आप इससे इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर से इसमें इन्वेस्ट कीजिए। बाकी अगर आपको किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है वो आपका अपनी राय है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ले लीजिए, उसके बाद ही आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स।